आई हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। एक कप सूजी लिया है मैंने, देखिए 1.5 कप, इसको नाप के लेना है और इतना ही इसमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी इसलिए ताकि ये सूजी को 90% कुक कर दे। देखिए गर्म पानी डालने से ऐसा कंसिस्टेंसी आएगा। ठंडे पानी को बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि ठंडे पानी से ऐसा नहीं आएगा। इसके बाद मैंने लिया है 2 बॉयल आलू। आटे की पूरी तो बहुत खाइए, आज सूजी की पूरी मैं आपको खिलाऊंगी। इसको कद्दूकस कर लीजिए ताकि इसके अंदर गुठली ना रहे। कद्दूकस करने के बाद मैं बढ़िया से इसको अभी थोड़ा 2 मिनट किनारे रख लीजिए। फिर हम लोग धनिया पत्ता बारीक एकदम छोटा छोटा धनिया पत्ता काट लेना है, एकदम छोटा छोटा, ठीक है। डंठल नहीं होना चाहिए, सिर्फ पत्तों को काटिए, जो आगे की होती है ना मुलायम पत्तियाँ, सिर्फ उनसे ही काट लीजिए। और इसके बाद थोड़ा 2 मिनट इसे रखने के बाद में देखिए किस तरह से होगा। ये सिर्फ गर्म पानी से होगा, ठंडा पानी से तो होगा ही नहीं। फिर इसमें देखिए कद्दूकस किया हुआ आलू को मिला दिए हैं इसमें। फिर देखिए धनिया पत्ता डाल दिए। अब यहाँ पे इसका जो मसाला है, मैजिक मसाला है, वो है देखिए, ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को कच्चा नहीं यूज़ करना है, इसको हल्का सा तवे पे, हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको भून लेना है गर्म तवे पे। देखिए ऐसे करते करते देखिए ऐसा कलर तुरंत चेंज हो जाएगा। और इतना सारा मैंने इसलिए लिया है, इसमें से आधा मैं इस सूजी के बैटर के लिए लूँगी और फिर आधा मैं बाकी आगे बताऊँगी। फिर अपने स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, खड़ा जीरा ले लीजिए, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल लीजिए। ये है सौंफ और अजवाइन भुना हुआ, वो डाल लीजिए। भुना हुआ या सौंफ अजवाइन ज़रूर डालिएगा। अब इसको हल्का हल्का मिला लीजिए। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह में ये पूरी कैसे छनाएगा, तब इसको देखिए, इसको अच्छी तरह से पूरा अच्छी तरह से मिलाना, इसी तरह से ये होगा। फिर इसमें हम लेंगे अपना गेहूं का जो आटा होता है, नहीं जितना आप में इसका ये आटा जो है सूजी का वो टाइट हो जाए उतना ही लेना है। इसको अच्छे से डो बना लीजिए अच्छे से। देखिए ये सूजी के आटा डालने से देखिए ये कितना अच्छा, ये मेरा पूरी का डो तैयार हो गया है। देखिए इसका कलर देखिए, इसको आप तेल डाल के थोड़ा देर इसको ढककर छोड़ दीजिए, कम से कम आधा घंटा इसको छोड़ दीजिए, अच्छे से ढक दीजिएगा, चारों तरफ तेल बढ़ने लगे। आइए तब तक हम लोग आलू की झोल बनाते हैं, बिना लहसुन प्याज का आलू का फर्स्ट क्लास सब्जी। इस पूरी के लिए आलू का सब्जी तो वैसे हर कोई बनाना आता है, लेकिन ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। लेकिन देखिए ये जीरा का थोड़ा फोरन डाल लिया हमने, तेज पत्ता डाल दिया, छटकने के तक इसको लाल कर दिए इसको, और कटी हरी मिर्च डाल दीजिए। कोई लहसुन प्याज कोई मसाला एक्स्ट्रा का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सुंदर। उसके बाद इसमें 2 टमाटर मिला दीजिए। अब इसे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए, इससे अच्छा कलर आएगा। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, हल्का ही डालिए। देखिए हम हल्का ही, अब वो जो भुना हुआ कसूरी मेथी था उसको डाल दीजिए इसमें। मसाला में मैंने हल्दी, धनिया पाउडर और बस थोड़ा सा किचन किंग लिया है, और इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है। इस तरह से इसको मिला के बढ़िया से मिला लीजिए इसमें। स्पीड में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर स्लोली स्लोली प्रोसेस दिखाऊंगी ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग क्या करोगे ना इसको स्किप कर दोगे, इसलिए मैं इसका स्पीड में ही कर दीजिए। बहुत कम टाइम किसे बहुत कम टाइम में इतना ही हुआ। अच्छे से इसको टमाटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें जो बचा हुआ आलू था ना, जो बॉयल आलू, उसको ऐसे ही करके मसल के डाल देना, कटिंग नहीं करना, बस खाली मसल के डाल दीजिए। बहुत ही कम टाइम में ये आलू की सब्ज़ी बहुत कम टाइम में बनती है मेरे हिसाब से। ये आलू की सब्ज़ी बनने में बहुत ज़्यादा, अभी तो 5 से 7 मिनट लगेगा, बस जितना टाइम आलू को बॉयल होने में लगे और जितना टाइम टमाटर को चूर होने में लगे, बस इस तरह से इसको डाल दीजिए। सारे आलू को बढ़िया से डाल दीजिए। उसके बाद इसको धीरे धीरे हल्के आंच पे इसको इस तरह से मिला लीजिए। और थोड़ा पानी डाल करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जितना टाइम आप ले सकते हैं। तब तक हमारा डो भी उधर तैयार हो गया होगा। देखिए मस्त कलर आता है इसका। और फिर इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता जो था साइड में उसको मैंने डाल दिया। बस देखिए ये बड़ा अच्छा कलर आया इसका।
आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जब सब हो जाएगा ना, तब उतारते समय एक चम्मच या दो चम्मच इसमें आप हल्का घी मिला दीजिए, घर का घी मिला दीजिए। चाहे तो आप इसमें बटर भी मिला सकते हैं, या आप नहीं भी अगर नहीं खाते घी बटर कुछ भी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं। देखिए ये हमारा सब्जी हो गया बन के तैयार। ये देखिए इसका जो बिना आलू प्याज बिना लहसुन प्याज किए बन गया हमारा झोल वाला आलू का सब्जी। इसी भी पूरी के लिए आसान है। अब देखिए हम लोग आते हैं अपने आलू मसाला पूरी की तरफ। इस तरह तेल में ले करके आराम से छोटे छोटे लोहे बनाए इसको बढ़िया से। इस तरीके से थोड़ा चिपकेगा, अगर बहुत ज़्यादा चिपकेगा तो आप सूखा आटा यूज़ कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा तो ये चिपकता ही है, क्योंकि ये आसानी से निकल भी जाता है। अब ये रहा हमारा पूरी गया तेल में। आ गया ये ऊपर। इसे निकाल लीजिए एक प्लेट में। देखिए किस तरह आवाज़ करेगा। ये हमारा दूसरा पूरी रेडी हो रहा है। एक ब्लॉगिंग वाले बता रहे थे ये तैयार हो गया हमारा आलू मसाला पूरी। ये देखिएगा कितना मस्त ये टूटेगा। आवाज़ करेगा देखिए आवाज़। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।